हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज भाई थोड़ी देर में हम जाएंगे अभी बैंक, क्योंकि अकाउंट में पैसे भी नहीं है। काफ़ी सेल्समैनों का हमें अमाउंट देना है, तो जिनसे हम कपड़े लेते हैं दुकान पे, सेल्समैन आते हैं वीकली वीकली, उनसे उन्हें पेमेंट देनी होती है। जैसे लोअर के हैं, टी शर्ट्स के हैं, पैंट शर्ट के हैं, जीन्स के हैं, तो वो बंदे विजिट तो कर नहीं पाते हफ्ते में एक बार, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक की वजह से, काफ़ी गर्मी आप देख रहे हो काफ़ी है, तो चक्कर में मैं ऑनलाइन से ही पेमेंट उन्हें कर देता हूँ। और स्कूल से बच्चे आ गए हैं, देख सकते हैं शोरू खाना खा रहा है, इसका बर्थडे आने वाला है, बर्थडे के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। ये थर्ड क्लास में पढ़ता है मेरा लड़का, ये काफ़ी जोशी है, ये तो छोले भटूरे खा रही है घर के। ये एट क्लास में आ गई है, ये कैनोसा स्कूल में पढ़ती है, ये चिल्ड्रन अकेडमी में पढ़ता है, ठीक है दोस्त। और थोड़ी देर में खाना मैं भी खा लेता हूँ भाई, भूख काफ़ी लग रही है। उसके बाद खाना खाने के बाद सीधा बैंक जाएं, क्योंकि लंच हो गया वहाँ पे भी, और लंच के बाद शायद स्टॉक खाली हो, मैं अमाउंट निकाल सकता हूँ बैंक में से। तो कुछ अमाउंट है जो कि कैश है, वो सो ले जाके मैं ये अमाउंट है कैश, ये भाई बैंक में जमा करके आता हूँ ज़रा, क्योंकि पेमेंट करनी है मुझे ऑनलाइन। और भी काम है, गैस का बिल आया हुआ, पीएनजी गैस का बिल भी आ गया 1750 रुपये यार, और दो गैस हैं, 1750 × 1750 कितने हो गए भाई, लगभग 3500 रुपये का बिल हो गया, वो मुझे पे करना है, अकाउंट में पैसे नहीं है इसलिए। तो शोरू खाना खा लो, फिर पढ़ाई कर लेना आप लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना भाई। हम चलते हैं किचन में, देखते हैं रंजीता ने क्या बनाया खाना, छोले भटूरे बनाया, मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया, ये स्पेशल है देखते हैं। कहाँ बना रही है? भटूरे बना रही है, तंदूरी बना लेते ना नान। भाई अपनी किचन है, देख सकते हो, ये अपनी पीएनजी गैस लग रही है, जो कि इसी का बिल आया हुआ है हमारे पास इस टाइम 1750 रुपये, ठीक है। ये भाई अपनी किचन है, छोटी सी किचन। यार जी का खाना दिया, फिर मैं बैंक जाऊँगा, थोड़ा सा मुझे और डालना कि गैस इसका बिल जमा करना, गैस का बिल आया हुआ था। आज चाय नहीं पिला यार तूने, चाय पीने का मन कर रहा बहुत ज़्यादा। भाई हमारे बच्चे खासियत देखो, खाना खाते समय भाई चैनल पे देखो क्या लगा रखा है, यूट्यूब पे इस तरीके खाने वाले चैनल लगाते हैं ये लोग, ये देखो खाना खाते जाएंगे, इस तरीके के वीडियो देखते जाएंगे, पता नहीं इन्हें क्या इंटरेस्ट आता भाई इस तरीके से देख देख। भाई शौर्य के नाटक हैं सारे, काव्या कोई चैनल से पसंद ही नहीं है, वो अपना मोबाइल चलाती है थोड़ा बहुत, इसकी मम्मा जरूर चलाती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी तो फिलहाल ये देखो इस तरीके की वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। छोरू मम्मा से बोलो मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खाना मुझे भी, खाना मत लाना, तो फिर मैं बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगा आपका, कमजोर हो जाऊंगा। हजार भटूरे पेट फटवाएगा मेरा है। शोरू एक चीज बताओ, तुमने हैंड धोए थे खाना खाने से पहले? हैं पक्का? कपड़े नहीं उतारे ऐसे खाना खाने बैठ गए। तो लो गाइस, हमारा भी खाना भाई आ चुका है, आप देख सकते हो ये घर के छोले हैं, ये फिलहाल भटूरे कहो कुलचे कहो क्या कहो, लेकिन है घर का खाना, चावल हो गए और आपका प्याज हो गया, इसे खाते हैं, फिर उसके बाद भी बैंक जाते हैं, बैंक में अमाउंट में पैसे कुछ जमा करने हैं अकाउंट में, क्योंकि काफ़ी सेल्समैन होते हैं ना, उसकी ज़्यादा चिंता हो रही है, आज फ्राइडे हो गया है इसलिए। तो भाई अपना खाना तो हो गया भाई, और रंजीता एक काम करियो जी, वो बिछौनी बिछा दियो, नीचे चादर वगैरह आयरन करूँगा मैं, ठीक है। शोरू दो चार दिन से तू भी कर दियो आयरन, में भी कर देगा। तो पहले अपने कपड़ों पर आयरन कर ले, बाद में कर लियो है। चलते हैं दोस्तों, बैंक जा रहे हैं अमाउंट डालने, फिर आके आयरन करेंगे, ये जींसें पड़ी हैं अपनी, ये सब प्रेस करनी है भाई, धोने वाली धुल चुकी है, बस प्रेस होनी है।
पेन निकाल के बोझ रहा हूँ फटाफट जल्दी, क्यों बैंकों में सरकारी बैंक में पेन नहीं मिलते। पेन निकाल दी, कहाँ रखा है ड्रॉर में, इसमें इसमें भी नहीं है। ब्लू दे दो, कोई भी दे दो, ये तो चल भी ना, इसमें तो रिफिल ही नहीं है। लाओ दो फिलहाल, वो ले आऊँगा पेन फिर मैं। देखो इसमें बस इतना तो आज काम मैंने इसी से चलाया। चलो मैं एक पेन ले आऊँगा। तो पापा तो सो रहे हैं अभी, आज हार थके आए हैं काफ़ी दिल्ली से माल लेके। हम चलते हैं बाहर अपनी स्कूटी स्टार्ट कर निकलते हैं बैंक। भाई अपनी कॉलोनी में रहने का एक तो फायदा है दोस्तों कि जो बैंक है ना वो अपने घर से बहुत पास है, सिर्फ 200-250 मीटर की दूरी पे है मुश्किल से। और ये मान लो कुछ ही सेकंड में हम अपने बैंक पहुंचने वाले हैं और वहीं स्टैंड पे अपने बाहर पार्किंग में स्कूटी खड़ी करेंगे, बैंक में जाएंगे, अंदर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों बैंक में मिलते हैं, पार्किंग में मैं यहीं लगा देता हूँ स्कूटी। तो दोस्तों जब तक यार फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, पैसे जमा करने वाली पर्ची निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी फिलअप करके पैसे जमा करते हैं। यार गैस का बिल भी भरना है, पेनल्टी लग जाएगी एक दिन बाद, तो बैंक का आप देख सकते हो कि सब गंदी बैठे हुए हैं, सारे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, यहाँ पे कैशियर हैं जो पैसे जमा करते हैं। मैं पैसे जमा कर रहा हूँ अपने, तो काउंटिंग मशीन लगा रखी है, 40 नोट की काउंटिंग होती है, 20,000 रुपये जमा। दोस्तों बैंकों के ऐसे हाल कर रखे हैं लोगों ने, पेन तक नहीं छोड़ रखे आ रही हैं बिल्कुल। अगर कोई बाहर से कोई आता भी है बंदा तो बताओ वो कैसे फिलअप करेगा फॉर्म, कैसे पैसे निकाला, कैसे करेगा, कोई पेन प्रोवाइड भी नहीं करता। मतलब तो बैंक का रूल है पेन तो अवेलेबल होना चाहिए 24 घंटे, चाहे किसी भी धागे से या रस्से से बांध के रख लें, लेकिन यहाँ पेन भी अवेलेबल नहीं होता। वो तो ठीक है, पेन लेके आए तो गार्ड साहब सो भी रहे हैं आराम से, बिना फिक्र के सो रहे हैं, बिना फिक्र के, एकदम कोई फिक्र ही नहीं है। फिलहाल जो और भी सरकारी बैंक के हिसाब से मैंने देखा ये इंडियन बैंक फिर भी भाई साहब बहुत अच्छा बैंक है, फिर भी ठीक है, काफ़ी केयर भी होती है। और देखो जैसा कि मैं आपको बता रहा 40 नोट की हमारी गिनती हो चुकी है। दोस्तों आप भी एक बार अपने नज़दीकी ब्रांच से बैंक में जाकर पता करिए किसी भी ब्रांच में, क्योंकि काफ़ी जो मोदी जी ने योजना बना रखी है काफ़ी अच्छी योजना आई हुई है इस टाइम बैंकों में, नए नए प्लान्स आए हुए हैं, एक्टिवेट प्लान है काफ़ी, और हो सकता है वो आपके प्लान कोई भी आपके मतलब काफ़ी आपके फ़ायदेमंद हो प्लान, तो ज़रूर पता करिए, काफ़ी प्लान आए हुए हैं। क्योंकि मैं भी प्लान समझने के लिए इनसे भैया से पूछ रहा था, लेकिन कहने लगे कि आप दूसरे काउंटर पर पता कर सकते हो इसके बारे में, और फिलहाल हमें तो फिलहाल पैसे जमा करने हैं, तो ये काम बाद में करेंगे। तो पैसे जमा करने के बाद प्लान देखेंगे, अगले दिन पता करेंगे कौन सा प्लान अच्छा कौन सा नहीं है। अगर आपको कोई PPF अकाउंट भी खुलवाना है दोस्तों, तो देखो लिखा भी है इसमें LCD की बोर्ड के पीछे PPF अकाउंट मात्र 500 रुपये में सुविधा उपलब्ध है, तो आप PPF अकाउंट भी खुलवा सकते हैं आप नज़दीकी अपने बैंक ब्रांच में जाकर। तो दोस्तों हमने भी बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं, थोड़ी बहुत देर में हमारे पैसे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं सीधा घर पे, घर पे काफ़ी कपड़े प्रेस करने हैं हम लोगों को। तो पैसे जमा करने की ये रिसीविंग दोस्तों आप देख सकते हो, रिसीविंग है पैसे जमा। चाबी भूल गए थे यार बैंक में अपनी, चाबी लेने गए थे, याद आ गई, अब चाबी मिल गई वापस हमें। भाई हमने अपना ऑनलाइन भी चेक कर लिया अपडेट कि हुआ, पैसे नहीं आए, अपडेट हो चुका, देख सकते हो आप अमाउंट आ गया, कुछ पैसे हमारे पहले से भी इसमें पड़े थे। ये माइक हो कैसे गया खराब यार? दोस्तों ऐसे माइक यार ये बस ये बताओ ना, ये कॉम्बो पैक जो होते हैं ना अमेजोन ऑनलाइन के, मीशो के यार, ये इस तरीके से आते हैं और 2-4 दिन कुछ दिन तो अच्छे चलते हैं, बाद में ख़राब हो जाते हैं यार। अब ये देखिए आप, वैसे लीड वीड तो सब ओके लग रही है, लेकिन इंटरनल ही इसकी कोई वायरिंग अंदर से पता नहीं क्या खिंच गई क्या हुआ, लेकिन बेकार हो गया। कोई नहीं, ऊपर वाले ने चाह तो रोड कंपनी का माइक आएगा आने वाले टाइम में, फिलहाल तो अभी हमारे लिए बेकार कूड़ा हो गया, रिप्लेस हो ठीक भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वारंटी भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि थोड़े बहुत दिन के लिए बस चला ही है, तो बिल्कुल प्रॉपर ठीक काम ही नहीं कर रहा। तो फिलहाल हमें ऐसी अब रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी विदाउट इसके माइक के। लारन जी तो बिछौनी छोनी निकाल जाओ, थोड़ा बस प्रेस कर दूँगा घर पर दूँगी फटाफट, रजाई बाद में दूंगा, पहले प्रेस करूँगा बेटा, आयरन करूँगा, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं यार, मम्मा को तो लगता ही नहीं है कुछ कर दें। निकाल रंजीता, खड़ी हो। ये भाई इसमें एक हम निकाल लेते हैं ये बिछौनी, यहाँ नीचे बिछा लेते हैं दोस्तों। काफी जल्दी आओ,
चादर हो रहा है कि चादर और लगा दूं। ये चादर होगी, ये हमारी आयरन होगी। कवर करते हैं भाई बंद। और इंजन 50-50 करेंगे प्रेस। आजा आधी आधी, 20 है, 10 मैं कर देता हूँ, 10 तू कर दियो। क्यों शोरू, ठीक है ना? टैग मत भिजवा दियो मेरे उस पे चैनल पे। रखो यहाँ, ये कितना मेहनती काम करता है मेरा बच्चा। ये ले आओ, बहुत मेहनती थी, उन्होंने ढेर लगा दिया, पूरा पहाड़ लगा दिया हमारे बाबू ने। बस भैया अब इतनी पापा प्रेस कर करके थक जाएगी, कमर दुख जाएगी पापा की। चलो ये भी यहाँ पटक दो, यहाँ पटक दो। ये तो इतनी सारी जींस हैं भाई, देखो हमारी पहनने की यार, ये सारी ये बेचेंगे थोड़ी ना, पहनेंगे इतनी सारी। भाई साहब ये मम्मा ने इकट्ठी करके धो दी ना, अब फुर्सत में ही मम्मा एक महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, तुम बर्थडे की तैयारी करो अपनी, चलो अन्नू करने जाओ कहीं। हाँ नानी आज कहीं नहीं जाएगी, नानी आज क्यों जाएगी ना, बच्चा कोई कहीं नहीं जाएगा ना सोरू, बच्चा जाएगा ना, बच्चा नहीं जाएगा, बच्चा जाएगा तो बड़े बच्चे का क्या? इस बच्चे का क्या होगा फिर, बड़े बच्चे का? हाँ मैं तो बड़ा बच्चा हूँ, मेरा क्या होगा फिर, मुझे कौन खिलाएगा भाई? मुझे भाई, मुझे तो छोटे बच्चे खिलाएंगे ना। भोजपुर भोजपुर नहीं जा रहे तुम ही, भगो भोजपुर तुम ही जाओ भोजपुर, हम नहीं जा रहे भोजपुर। ठीक है प्रेस करने दो मुझे यार, ये देखो ढेर लग रहा है, ये देखो अच्छा ब्लॉग बनाता है, मस्त है। यो यो होने वाला यार, बिल्कुल भी यो यो नहीं होने वाला। ओ ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, आई सी या संगी बेल बेल टुटो, आई सी या चिचानी बेल बेल टुटो, मंगा मंगा वेंगरा दो मंगा मंगा। ये अच्छी आयरन है ना, देखो अच्छी आयरन है दोस्तों, ऐसी लेना मीशो से, आई है 300 रुपए की, अमेज़न से भाई से सबसे बढ़िया चल रही है इस टाइम दोस्तों। देखो आप देख सकते हो मेटल कितना बढ़िया है। हाँ तो आप छू लो ना, ऑटोमेटिक है दोस्तों। हाँ तो पहले आप छू लो तो आपको पता चलेगा, हाथ जल्दी तो गर्म हो रही है, क्या छू लूँ हाथ जल जाएगा मेरा, पता चलेगा मुझे। नहीं आप ठंडे से बहुत डरते हो ना, इसलिए ठंडे से बहुत डरता हूँ, सर्दियों में डरता हूँ भाई मैं। ओ गर्मी आ रही है, ठंडे से बहुत नहाते हो फिर आप ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, ठंडे से नहाते हो तो गर्म को छू लो एक बार ही, बेचारा गर्म भी होगा कि मुझे भी छू लो कभी यार। सर्दियों में ठीक है, छू कर दिखाना फिर देखना तुम्हारी कैसे बात लगेगी पप्पा जी। चलो प्रेस कर ले, तो यहाँ पे पूरी काली हो रखी है, छू लिया ना तुम्हारा ना ब्रेड फायर बन जाएगा। प्रेस करना है, ये नानायक सा बच्चा इतने सारे कपड़ों को कैसे धोता है, आज की इस न्यूज में हम दिखाने वाले हैं कि इतने से पप्पा जी ने कितने धोए कपड़े और कितने प्रेस करे कपड़े। ठीक है छुआ दो, गरम गरम भी लग जाएगा भी, कितने प्रेस करे मेरी फिल्म बनवा रहा है, फिल्म बनवाऊंगा तो आपको ब्लॉकबस्टर में लूंगा, मूवी में आ जाओगे फेमस हो जाओगे फेमस। ओके चलो तुम नहाओ अपना, ब्लॉग पे ध्यान मत दो। हाँ तो आपने ही पकड़ाया है इसकी जीभ में दोस्तों, क्या हो रहा है बता सकते हो, लाल लाल सा छाला ही हो रहा है, क्या है ये? और आ करो बड़ा वाला, इधर करो इधर करो इधर पीछे, बस अंदर कर दो। चलो दिखा के लाना पड़ेगा तुम्हारा, कब से हुआ तुम्हारी जिम में? मेरे ना 13 डेज से हो रहा है। 13 डेज से आज दिखाई दो तूने, आज 13 पागल बना रहा, बहुत दिनों से हो रहा है तो दिखाई क्यों नहीं दी मम बुआ को? मुझे लग रहा है वही तो, ये बुआ को मम्मा को मम्मी को दिखा के, मम्मा क्या हो रहा है, मैंने देखा था क्या कर रही है, तो मैंने मेरे को लग रहा था कि छाला हो गया, फिर छाला टाइप हो गया है, तो फिर मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, बस ही ऐसा ही डिसऑर्डर होता था। चलो ठीक है, अभी एक दो दिन और वेट कर लो, उसके बाद फिर दिखाते हैं डॉक्टर को। ठीक है चलो जाओ खेलो।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन नीचे दिख रहा होगा उसे ऑन कर लें, जिससे आपको मेरे नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।